का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। देखिएगा पवित्र गीता जी, अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर आपने 16 सुन लिया, फिर देख लिए। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, सर्वपुरुष नाशवान, अक्षर पुरुष अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं यानी प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और अविनाशी, जीवात्मा भी अविनाशी कहा गया है इसी प्रकार। अब आगे बता, 17वें में क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, ओए उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, वो सच्चा भगवान वास्तविक प्रभु तो कोई और है, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा। और ये लोक त्रयम अविश्य अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो लोक त्रयम तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है, अवय ईश्वर है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि अवय ईश्वर कैसे कहा इसको, और तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाला कैसे है वो परमात्मा, वो देखिएगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो इसको तत्व से जानता है यानी जड़ सभी विभागों को जानता है, जड़ कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन, अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, तना कौन है, शाखा क्या है, पत्ते कौन है, तो सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष, गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 से 4 का वर्णन है। परमात्मा ने खुद आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। अब देखना अक्षर पुरुष, ये देखिएगा ये एक पेड़ है, यानी इससे ऊपर जो हम देखते हैं इसको इसको इतना जो देखते हैं ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ के उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो जड़ से बाहर दिखाई, जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, ये ऐसा एक पेड़ है। तो ये छर पुरुष, ये तना तो छर अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म है, और डार जो है ये ज्योति निरंजन छर पुरुष है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम पातरूप संसार। और जड़ कौन है पौधे की, उस पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, जहाँ से सबकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से सबको पालन पोषण होता है, उस वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर है। अब देखो जड़ से ही पेड़ को खुराक मिलती है, वो तना में, तना से डार में, डार से शाखाओं में, शाखाओं से फिर आगे हमारे पास आती है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो अविनाशी प्रभु है, और वही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, वो इन दोनों से उपरोक्त श्लोक 16 में कहे हुए से भी कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा प्रभु भगवान का वास्तविक जो परिभाषा है कि वो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता, वो भगवान कहलाता है। और जिसने ऐसी दुर्गति कर रखी वो भगवान नहीं, लेकिन यहां और किसने माने, ये स्वामी हो गया, हम प्राणियों के ऊपर इसका प्रभुता होगी, इसलिए इसको भी स्वामी कहने लगे, भगवान कहने लगे। जैसे
कबीर परमात्मा ने बता रहे सत्संग में कि तुम्हारा भगवान जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो ऐसा जानो जैसे एक कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सर्व सुविधा देता है, चारा भी होता है, उनके लिए जल जलाशय भी होता है, उनमें घुमा चराता है, उनके लिए फिर रक्षा के लिए ऊपर गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था करता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए व्यवस्था करता है। तो वो भोले भाले बकरे उस कसाई को एक दयालु भगवान अपना स्वामी मान लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके लिए कितना सुविधा करता है, चारा चलाता है, पानी पिला कर लाता है, और वो कसाई आकर के उन बकरों के ऊपर हाथ फेरता है, वो तो देखता है युक्का किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और वो उससे प्यार करते हैं, अपना मालिक समझ के हमें खाने पीने की सुविधा करता है, हमारी कितनी ध्यान रखता है, केयर टेक कर रहा है, वो उसको प्यार करते हैं, ऐसे चाटते हैं जीभ से और लाड ऊपर को पैर लगा देते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं। लेकिन उन भोली आत्माओं को ये नहीं पता ये थारा शत्रु है, ये किस लिए पाले पाल रहा तुम्हारे को, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती। फिर जब उनके आते हैं ना ग्राहक कि आज 20 बकरों का मांस चाहिए, वो लेकर डंडा और ऐसे हाँक लेता, निकाल लेता उनमें से, वो ना देखता किसका बेटा किसकी बेटी किसकी माँ किसकी बहन है, वो तो एक हाँक कर मार कर और अपना काम चला लेता है। ऐसे ही यहां का ब्रह्म ये भगवान ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी, ये हम ये ऐसा ही समझो जैसे यहां हम देखते हैं, देख भगवान ने कितना सुंदर व्यवस्था कर रखी है, सेब संतरे काजू किशमिश कितने अच्छे फल और मेवा हमें दी है, जमीन के अंदर कितना शीतल जल कितना स्वादिष्ट जल है, झरने बह रहे हैं, कैसी सुंदर हवा चला रखी है और कितनी व्यवस्था खुली पृथ्वी दे रखी है। हमने सोचा है भगवान क्या ये तो भगवान ने पड़ा है, इतनी सुविधा दे रखी है खाने के लिए पीने के लिए नहाने धोने के लिए हैं और संतान पैदा करने के लिए ठाट कर रखी है। हमारी बुद्धि इतना ही काम करती है, हम नहीं सोच सके ये जुल्म क्यों रहा हमारे साथ, एक एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार विनाश हो जाता है, किसी का बेटा मर जाता है या किसी की बेटी मर जाती है, किसी का टांग कट गई, किसी कैंसर हो रही है, गधे कुत्ते बन लग रही है, अपने ही तो भाई बहन थे। तो यह आंख तो भाई परमात्मा दे, कबीर परमात्मा ना के हमें ये मोतिया बंद का ऑपरेशन कर दिया, दीखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे, जैसे किसी को सफेद मोतिया हो जाए ना आंखों में, उसकी आंख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे इन्हें सब कुछ दिखाई देता होगा, लेकिन उसे दिखता कुछ नहीं, वो कति ब्लाइंड है। तो ऐसे ही हम इतने आख्या वाले दिखे, बड़े बुद्धिमान दिखे, राजा बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, पर हमारे वो आंख को ना वो मोतिया बंद हो गया आध्यात्मिक ज्ञान वाली आंखों के, और वो ऑपरेशन ही सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में ही होता है, और वह जिसने आँखों का ऑपरेशन यहाँ करवा लिया उस अज्ञान वाली आँखों का, फिर देखना उसको कितनी दूर तक का दिखाई देता है। तो परमात्मा यही प्रमाण आपको देखो विष्णु पुराण में दिखाता हूं, ये इसलिए दिखाता हूं कि कोई फिर बिना लालटेन के मेरे गेल ना खस है, ये लालटेन दिखानी मुझे पग पग पर जरूर होगी। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इस ये देखना यहां से, इसके अनुवादक हैं श्री विष्णु पुराण, अनुवादक श्री मुनिलाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। अब देखिएगा बिल्कुल शुरू में ही सारी सच्ची कह रखी है इस काल और विष्णु के विषय में, काल उर्फ विष्णु के काल, इसको विष्णु भी कहते हैं क्योंकि विष्णु रूप धारण भी कर लेता है, ब्रह्मा का रूप धारण करके धोखा देता है, शिव का रूप धारण करके धोखा देता है,
अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण जो अभी आपको दिखाया था उसमें निशान नहीं लगे हुए थे, अभी इसमें मैंने दासरे निशान लगा रखे हैं पुरुषत में, ये वही है गीता पुरुष गौरव पुरुष प्रकाशित है। यहाँ देखिएगा ये प्रश्न नंबर 4 पे अध्याय नंबर 2 श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 है ये नीचे देखिए 4 पृष्ठ पे हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे। हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, ये काल को विष्णु को ही परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म का हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। ओए होए काल ये देखना अब 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय प्रलय काल में भगवान के सामान्य अवस्था में स्थित हो जाने पर पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। ये क्या करता है कि जब एक ब्रह्मांड में ये प्रलय करता है, प्रलय कई प्रकार की है, तो एक प्रलय ये करता है जब नीचे के ब्रह्मलोक को छोड़कर के अन्य लोक विनाश में आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु में ही समर जाते हैं और दुर्गा से ये अलग होकर के अपने किस्म ब्रह्मांड में चला जाता है, दुर्गा के अपने लोक में रहती है कुछ समय के लिए। तो ये कहा कि इस काल विष्णु कहो चाहे परब्रह्म कहो, इसको काल कहो क्योंकि ये अज्ञानता बस ये पुराणों के वक्ता उस काल को भी कभी विष्णु कह रहे हैं क्योंकि ये विष्णु रूप ही धारण कर लेता है। कह रहे हैं कि उसका एक प्रथम रूप तो भगवान है पुरुष है और परम रूप उसका काल है। अब प्रथम रूप पुरुष माने भगवान के साथ दिखा हो, जैसे काल है वो कसाई है उन बकरों को दयालु दयालु स्वामी दिखे था लेकिन असली तो उसका रूप कसाई है, ऐसे ही ये ब्रह्म ये छर पुरुष ज्योति निरंजन ये सदा शिव महारूप काल रूपी ब्रह्म ये यहां व्यवस्था किए हुए, जैसे पृथ्वी पर कितनी सुंदर आहार दिखे हैं पीछे शीतल दल शीतल हवा, तो यूं तो प्रथम तो दिखा जानू भगवान से भगवान में पड़ा है, बड़ा दयालु है कितनी सुविधा दे रहा हमारे को, और फिर वो बिरान माटी कर रहा हमारी या बेटा मर रहा किसी की बेटी मर गई कुणबा का कुणबा गाणी होगी, तो यो इसका परम रूप है, परम रूप इसका काल है, वास्तविक रूप इसका काल है, जैसे कसाई बकरे पालता उसका वास्तविक रूप तो काल कसाई है। आपने आपको ये दास ये तत्व ज्ञान सुना रहा है, सदग्रंथों को यथार्थ रूप में आपके समक्ष पेश कर रहा है गीत। अब शंका जिन्होंने एक समय ये दास सत्संग कर रहा था वहां उदयपुर में, वहां एक संस्कृत डबल MA MA इन संस्कृत MA इन इंग्लिश और लेक्चरर था वो किसी विद्यालय में महाविद्यालय में, और वहां से वो रिटायर होकर के आया हुआ था, उसने हमारा सत्संग सुना और उसको वो उंगलियों पर याद थी ये श्लोक, वो सत्संग सुन रहा और टीवी पर देखा, उसमें प्रोजेक्ट नहीं था हम टीवी पर दिखाया करते उस, फिर हम सत्संग के बाद बाहर बैठ के नीचे आकर के तो वो हमारे पास आया और वो कहने लगे महाराज जी जो आपने गीता को समझाया ये तो बिला कोई आज तक विद्वान नहीं समझा सके, और फिर उसने के बात कही नो बोला यू तो मैं ऋषि दानंद भी नहीं समझा सका, अरे तेरा गजब हुआ किस तोल ले तू, मैं ऋषि दानंद कह ना बेरा था वो तो वही सुक्का लोक वेद तो मैं ऋषि पाक रहा था, वो कुछ भी ना था, वो तो ना वो आध्यात्मिक ज्ञान जाने था ना कोई समाज सुधार का ज्ञान था, वो तो भांग पिए पड़ा रहा करता, संस्कृत का ज्ञान था क्योंकि बचपन से ब्राह्मण कुल में जन्म था और बचपन से ही उनको ये रट्टा संस्कृत का लगवा दिया करते पढ़ाया करते थे उनको कति घुटा दिया करते थे,
इस कारण से वो संस्कृत बोला करता, इसलिए लोगों ने उसको विद्वान मान लिया। वो ना जाने था कैक है भी। तो पुण्यात्मा, और वो कहता मैं ओरन समझाता फिरता हूं गीता जी को, पर जो आपने सुलझा दिया ऐसा मैंने कब समझाणिया आज तक नहीं देखा। मैं कहा देख भी नहीं सकते, अब देखोगे कहां से, को था को ना। दास के ऊपर परमात्मा कबीर साहब ने मेहर करी, अपना खजाना खोल कर रख दिया। और ये सदग्रंथ जो एक पाठ बने हुए थे, आज पहली के कायदा बन गया हमारे लिए। गीता और वेद संस ये पुराण कुरान बाइबल हमारे लिए तो पहली का कायदा बन गया। इसमें कोई विशेष बातें नहीं, क्योंकि ज्ञान है इसमें, लैंग्वेज का अंतर था। जिसको हम नहीं पढ़ सकते उसको हमारे लिए पाठ था। अब उन्होंने स्वयं ही अनुवादित अनुवाद भी कर रखे, हम तो हिंदी खूब पढ़ सकते हैं। और ऐसे भी बच्चे जो संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। और दास आपके सामने या चाबी लगा के खोल देता है, देख लो। अब हम क्या सुना करते, लोक वेद सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, और ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर अमर, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जिनकी थोड़ी बुद्धि ऊपर उठी वो ब्रह्म को फाइनल मान रहे थे। तो ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता कि मैं तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाता हूं। मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो कोई और है जो पंद्रहवें अध्याय के 18वें श्लोक में, उस जो प्रसंग ये दास बता रहा था वहां उदयपुर वाला, तो उस विद्वान ने मुझे कहा कि देखो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि इस लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। मैं बोला पहले तो लोक वेद की डेफिनेशन सुन। कबीर परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले यो दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा आप ही परमेश्वर हैं, आप ही यहां आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की, सतगुरु की भूमिका की, और स्वयं ही एक दास की भूमिका, स्वयं ही एक परम संत की भूमिका की। उस भूमिका के अधिकार आधार पर वो कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं कि मैं वो तो नहीं कहीं साधना अन्य कर रहे थे, पर हम जो साधना कर रहे हैं हमारे लिए बता रहे कि जन साधारण उस लोक वेद पर आधारित होकर जो सुना सुनाया अक्षेत्रीय ज्ञान है, जो वास्तविकता से दूर है, उसके आधार पर साधना कर रहा था। और जब सतगुरु मिले, ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, तो फिर हम तुरंत उस अज्ञान को पटक के और ज्ञान को ग्रहण कर लिया। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। ये दास रामपाल दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, और लोक वेद के आधार पर हनुमान चालीसा 7 बार डेली करता था। हनुमान जी का व्रत रखता था 25 वर्ष तक कंटिन्यूस रखा, घर के भी छोम आ जाते, सिर में दर्द हो जाता, बालक सा था जो शुरुआत की। घर के घरवाले कहते भाई तू बोधा है आदमी, और क्यों सिर में दर्द कराया करे, क्यों भूखा मरिया करे, ना कोई घर का जाना था किसी भक्ति व्यक्ति को। पर मेरे या पिछले संस्कार मालिक के दिए हुए थे, पर वो डटा ना गया, क्योंकि जो पुण्य आत्मा है वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ पकड़े बिना रह ही नहीं सकते। 25 वर्ष तक मैंने हनुमान जी के व्रत रखे, मंगलवार के जन्माष्टमी का व्रत रखना। अब व्रत रखा करते, व्रत तो थोड़े याद रहा करते, भूख गणी व्रत व्रत का नहीं, ना मंगल हनुमान याद आया करता, वो भूख याद आया करती कि इस समय 12 बजे रोटी खावा। तो ऐसा ये लोक वेद था, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर माने बैठे थे, ये लोक वेद था। और जो ब्रह्म को फाइनल माने बैठे ये भी लोक वेद है, सुना सुना ज्ञान, बिल्कुल शास्त्र से बहुत दूर, यानी लोक वेद होता सुना सुनाया अधूरा ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। तो मैंने उसको सुनाया कि जो आपने सुना है, जैसे ये क्या कहना चाहता है ये ब्रह्म के, मुझे तो लोक वेद में सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मैं परमात्मा प्रसिद्ध हूं, नहीं तो फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक की क्या आवश्यकता थी लिखने की। वो लेक्चरर ने बोला बात किया आपने तोड़ पाट दिया। तो
वो कहने लगा आपने तो कमाल कर दिया, जमा आंख बना दी मेरी तो, और मैं और न समझा करता, मुझे इस गीता का कह कह का पता नहीं था, और तेरा गजब हुई हो। तो पुण्यात्माओं अब देखिएगा वो गीता जी अध्याय नंबर श्लोक 15 का, अध्याय 15 का श्लोक 18, पवित्र गीता जी अध्याय 15 का श्लोक आपने 17 सुना। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपन 18 में देखना है, ये गीता ध्यान 15 का श्लोक 18। क्योंकि मैं क्षर पुरुष नाशवान जड़वर्ग से और अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब संस्कृत देखो इसकी दोबारा। यस्मात् सर्वम् अतीत अहम् अक्षरात् अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। इसका अर्थ क्या है कि मैं मेरे अक्षित, ये क्या कहना चाहता है काल भगवान कि जितने मेरे 21 ब्रह्मांड में मेरे अंतर्गत ये आत्मा है, ये चाहे तो शरीरधारी है चाहे आत्मा रूप में सूक्ष्म रूप में है, इन सब से मैं तगड़ा हूं, अतीत हूं, ऊपर हूं, इसलिए लोक वेद के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो तो 17 में मैं क्लियर हो लिया। तो पुण्यात्मा समझदार व्यक्ति ने तो देर लग नहीं, इतनी भी देर नहीं है, और सुई की नोक टेका इतना इसमें कोई मीन मेख नहीं कोई निकाल सकता, यानी ये तत्व ज्ञान है। पुण्यात्मा आज इस समागम का अंतिम दिन है, भक्तजन दूर दूर से आए भी होते हैं, इनको जाना भी होता है, इसलिए दिल तक रहा है कि 2 घंटे और मंडारों में सुनाए जाऊं, क्योंकि तो बहुत नया ज्ञान है और बार बार सुनाने दिल करे, आपका सुनने को दिल करे जब अंधेरा हटेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको सुना। अब इससे पहले आपको परमात्मा की एक विशेष महिमा सुनाना चाहते हैं, आप देखकर दंग रह जाओगे, क्योंकि अब समर्थता का पता चलेगा उस पूर्ण परमात्मा का। हमारे पास एक भक्त, हमारे भक्त हैं, उसके विषय में आपको मैं उनके द्वारा दिया हुआ लिखा हुआ जो अपनी परमात्मा के नाम पर लगने के बाद उनको क्या लाभ हुआ वो सुनाता हूँ, और वो यहीं बैठे हैं उनको आपके साक्षात भी करवाता हूँ। भक्त हवा सिंह जी ऊपर आ जाए, और साथ में वो बेटा जिसकी आंखें आंख परमात्मा ने ठीक की हैं, जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसकी आंख निकाली जाएगी, वो परमेश्वर कबीर जी ने स्वस्थ किया, वो आपके सामने सुना दिखाते हैं। वो उस बच्चे को भी यहाँ ले आवे, और वो उसके साथ उसकी माँ या और उसका दादा या पिता जो भी है वो ऊपर आ जाए। पहले आपको उस बच्चे के विषय में सुनाते हैं जिसकी आंख ठीक की परमात्मा ने। आप देखिए कबीर परमात्मा कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैं वेद मेरा ही मेरी महिमा गा रहे, और मैं इन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, और जिस विधि से जिस ज्ञान में जिस वेद में मेरे पाने की विधि लिखी है वो तत्व ज्ञान को, ये वेदों में नहीं है, वो इन चारों वेदों में नहीं, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। आपको यजुर्वेद, आपको ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161 का
अब कहते परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद जो है मेरी महिमा बताते हैं, पर मैं मिलो वेदों से ना ही, इन चारों वेदों से मैं मिल नहीं सकता, ये मेरे गुणगान करते हैं, और जिस वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही, वो तत्व ज्ञान है, तत्व वेद है। अब देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, ऋग्वेद ये देखिएगा महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1-6, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 7-10, इन्होंने अनुवाद किया है। अब देखना इस मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 161 में और मंत्र नंबर 2 में कितना स्पष्ट किया है। ओहो ये देखिएगा दसम मंडल मंडल नंबर 10 ऋग्वेद भाष्यम, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है ये मंत्र नंबर 2। क्या बताते हैं ये संस्कृत के बाद इन्होंने अनुवाद किया है, ये संस्कृत है इसकी भाषार्थ। यहां यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया हो यानी मर गया हो, और यदि वह मृत्यु के पास पहुंच चुका हो तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृति से के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष का जीवन जीवने के लिए प्रबल करूंगा। अब और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 महर्षि दानंद सरस्वती, ये तो इसकी फीत लाया करते, इसका नाम तो ये ओडंगा व्यक्त जाता है, इनका अंडंगा किया वेदों का, वेद ज्ञान सही है, इनके द्वारा अनुवाद बिल्कुल अधूरा सधूरा है, फिर भी ये है प्रकाशक हैं आर्य सर्व आदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली 2, ऐसे ऐसे इनके द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा इसमें मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161, ये देखिएगा 161 सूक्त है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर ये 2, इसमें भी यही प्रमाण दिया है भाषार्थ, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यहां देखो यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया है, गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद्य, अब देखो इन्होंने अड़ा दिया मैं वैद्य, ये कोई दवाइयां की किताब है, ऋग्वेदी तो भगवान के बारे में बता गया है, कष्टप्रद रोग से पंजे से छुड़वा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक यानी 100 वर्षों तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अब इस ये जो इन्होंने अपनी अड़ंगा बीच में अड़ाए बिना इनका काम चलता कोई ना, क्योंकि इनका ज्ञान कराना था, दुनिया को गुमराह करना था। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा एक और अनुवादकर्ता ने इन्हीं के आर्य समाज के ही अनुवादकर्ताओं ने एक और अनुवादकर्ता ने इस ऋग्वेद का अनुवाद किया है, वो देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले ये अंधेरा हटाना आवश्यक है कि वेद सही बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं जो विरोधी हैं विपक्षी हैं जो भगवान से दूर रखना चाहते हैं जन समाज को, वह कहते हैं रामपाल तो संस्कृत ना जानता, वो क्या जाने वेदों के बारे में, जैसे कबीर साहब के बारे में वो नाड़ी कहा करते हमने मैं नहीं जानता, आपने अनुवाद कर रखा है, हम तो हिंदी पढ़ के सुना रहे हैं आपको। ये देखो ये है ऋग्वेद द्वितीय भाग,
और किसका अनुवादी था ये? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर दिल्ली। और ये कहाँ से प्रकाशित है? दान संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन, यहां से प्रकाशित है। और इसकी प्रकाशक कौन है? पंडिता राकेश रानी। अब इसी में देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 का सूक्त नंबर 161। देखिएगा ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और ये मंत्र नंबर 2। ये है मंत्र नंबर 2। इसने सही किया है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट से निकट चला गया है, तो भी उसे मैं बाहरी कष्टपत रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो गई है, इन्होंने भावार्थ किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो गई हो है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तो भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ये बिल्कुल सही किया इन्होंने। अब दो अनुवादकर्ताओं ने इन्होंने करा क्या, पानी को छिड़ दे, आपा तीन के करे हुए ही को आगे आप तक बता रहे हैं कि इन्होंने चाहा तो है इसको गुमराह करना और वेदों के अनर्थ करना चाहा है, लेकिन सत्य फिर भी छुपी नहीं। अब वो परमात्मा कबीर है जिसके विषय में वेद अपने बता रहे हैं, इनके द्वारा ये आपने देखिएगा, ये बच्चे आए हैं, ये लड़का बैठा है, ये इसका दादाजी और इसकी मम्मी इसके साथ है, इनकी माताजी, इनके चित्र देखो। इसकी देख बेटा, ऊपर कैमरे का नहीं देख, इसकी आंख देखो कितनी स्वस्थ और साफ है, उधर देख बेटा लाइट कार की तरफ, ये देखो बस, ये दोनों ये बिल्कुल स्वस्थ है अब ये बच्चा। अब देखना, इन्होंने अपनी आपबीती मुझे लिखकर दी है, क्योंकि ये खुद भी बताना चाहे तो बताएंगे। अब सुनिएगा, ये इसके दादाजी बैठे बच्चे के, ये इसकी मम्मी और ये बच्चा। इन्होंने अभी नाम लिया था, परमात्मा की शरण ग्रहण की थी इन बच्चों ने, इस बच्चे के माता पिता ने। और उसके बाद क्या हुआ कि इस लड़के का चाचा जो नाम नहीं ले रखा उसने, इसके माता पिता ने नाम ले रखा, उपदेश है परमात्मा का भी दिया है। इसके ये आंख में चोट लगी से 2 महीने पहले इन्होंने नाम लिया था, 1.5 महीना पहले नाम लिया था। तो इसका चाचा लकड़ी काटता था, लकड़ी को फाड़ रहा था, बांधने के लिए ठीक कर रहा था, लकड़ी का टुकड़ा उठ गए और इस बच्चा वहीं खेल रहा था, आंख में जा लग गया, इसकी आंख में लग गया और आंख का मांस फट गया बराबर तय राइट साइड वाली का। ये भी इन्होंने क्या बताया है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं सतीश पुत्र सूरजमल गांव बधौड़ कह जिसको, जिला हिसार का रहने वाला हूं। मैं अपनी आप बीती लिख रहा हूं। मैं नामदान लिए हुए अभी तक 1 महीना 5 दिन ही हुए थे कि हमारे ऊपर काल ने ऐसा झपट्टा मारा कि मेरा भाई रोहतास घर की लकड़ियां काट रहा था, एक लकड़ी का गुटका टूटकर मेरे पुत्र उम्र 5 वर्ष की आंख में जा लगा। हमने देखा कि लड़के की आंख से खून बह रहा है, हमारे हाथ पांव फूल गए।
अब हम क्या करें। तब हमने बच्चे को हिसार के गायत्री आई केयर में दिखाया। डॉक्टर ने आंख को देखा और बताया कि आंख की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह मांस निकला पड़ा है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप बच्चे को जिंदल आई हॉस्पिटल ले जाओ, शायद इसका वहां पर इलाज हो। वहां जाने पर डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आंख पूरी तरह खत्म हो चुकी है तथा कहा कि इसका ऑपरेशन तो हम कर देंगे लेकिन दिखाई देगा या नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और खर्च भी ज़्यादा ही होगा आएगा। हम घबरा गए, हम वहाँ से भी चले आए और हमने इलाज नहीं करवाया तथा फिर सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी की शरण में आ गए। गुरुजी को सब बात बताई। गुरुजी ने कहा जब बच्चे की को दिखेगा ही नहीं तो ऑपरेशन किस चीज़ का करेंगे, आप सब बंदी छोड़ पर विश्वास रखो, बंदी छोड़ सब ठीक करेगा। बंदी छोड़ ने तो मुर्दों को जीवित तक जीवित किया है। हम 2 दिन तक आश्रम में रहे, बच्चे को कोई फायदा ना देख हमसे नहीं रहागा। फिर हम बच्चे को लेकर राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर भी डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे अग्रोहा मेडिकल में ले जाओ। फिर हम अग्रोहा मेडिकल में लेकर आए, वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने आँख देखकर कहा कि आँख बोधी हो गई है, जैसे कपड़ा बोधा हो जाता है तथा अपने आप टूटता है वैसे ही हो गई। आप इस बच्चे को PGI रोहतक या ऑल इंडिया दिल्ली में ले जाओ क्योंकि बच्चे की आँख भी निकालनी पड़ सकती है। शाम हो गई थी, हम वापस फिर सतलोक आश्रम में आ गए। हम रात भर गुरुजी की शरण मरे। आश्रम में ही हम एक भगत जी मिले जिनकी जान पहचान ऑल इंडिया अस्पताल वाले डॉक्टरों के पास साथ थी। उनके पास हम दिल्ली चले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने आँख को देखा और बहुत से टेस्ट करवाने को लिखा और कहा आँख खतरे में है, हमको नहीं लगता कि पहले जैसा दिखेगा, खर्च भी ज़्यादा ही आएगा। हम बहुत घबरा गए, क्या करें क्या न करें, हमें बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहाँ से बगैर इलाज कराए चल पड़े। जब हम दिल्ली से घर आ रहे थे तो गांव के बस स्टैंड से उतरकर थोड़ा सा ही चले थे कि मेरे और मेरे पिताजी की बच्चे को लेकर कहाँ सुनी होगी। मैंने पिताजी से रूठकर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे साथ था, उसमें ये इनके दादाजी ने नाम नहीं दे रखा था, या ले रखा था आपने? तने भी नाम ले रखा था, अनाम ले रखा था इन्होंने। पढ़ो, रोट कर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे ही साथ था। रात करीब 9-10 बजे अंधेरा बहुत था। मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ लेकिन मैं वापस किसी साधन में चढ़कर बरवाला तक आया, फिर आश्रम तक पैदल चलकर गुरुजी की शरण में सतलोक आश्रम बरवाला पहुँच गया। करीबन ग्यारह बजे का समय हो गया। जब मेरे पिताजी घर पहुँचे तो घर वालों ने मेरे और बच्चे के बारे में पूछा क्योंकि बच्चे समेत आश्रम में आ गया लड़का, इसका पिता तो बच्चे का पिता। और इस तो मेरे पिता पूछा, पिताजी ने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ गया, बस अड्डे पर मेरा और उसका झगड़ा सा हो गया था। इस पर जिन चाचाओं ने नाम नहीं ले रखा था उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा और कहने लगे करवा लो रामपाल जी महाराज से इलाज, हो गया ना थारा नाश। तेरे मेरे पिताजी को कहने लगे कि ये कहीं इन दोनों को मार कर फेंक आया होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सभी परिवार वालों ने जोहड़ कुआ सभी जगह देखा लेकिन कहीं पता नहीं लगा। सुबह हो गई, फिर गांव में ही एक भगत है जिसने इस काफ़ी समय से गुरुजी का नाम ले रखा है, मेरी मम्मी उसके पास गई तथा उससे सब बातें बताई। उस भगत ने कहा कि आपके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम पूर्ण परमात्मा से जुड़े हैं, हमारे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। फिर उस भगत ने आश्रम में फ़ोन किया तथा डॉक्टर कृष्ण और रामफल भगत जी से बात की। उन्होंने बताया कि वे दोनों आश्रम में हैं, गुरु जी की चरणों में सुरक्षित हैं।
हमारे घरवालों को कुछ शांति मिली तथा विश्वास हुआ कि हमारे बच्चों को जिस परमेश्वर ने मरने से बचा लिया, क्या वह हमारे बच्चे की आंख ठीक नहीं कर सकता। हम उसी दिन से पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में लग गए तथा बच्चे सच्चे मन से भक्ति की 15 दिन में ही हमारे बच्चे की आंख बगैर किसी दवाई के पूर्ण रूप से ठीक होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब इसके साथ ही इन्होंने ये टेस्ट लगाए हैं, ये देखिएगा पुण्यात्माओं, ये देखिएगा राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये है अमरजीत नाम है इस लड़के का, उम्र 4 वर्ष लिखी है और दिनांक है, ये है दिनांक 14/11/2008 और ये है राधा स्वामी चैरिटे, वही उसी के आगे बहुत सी टेस्ट हैं। ये जिंदल हॉस्पिटल, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें भी गए। ये है आई केयर, गायत्री आई केयर इंस्टीट्यूट हिसार में, यहाँ भी दिखाया पुण्यात्माओं। एक गरीब, इन्होंने अब देख लिया कि सब डॉक्टर विनाइट लिए, वैसे क्योंकि जब पुराने भक्त होते तो इतना अविश्वास भी नहीं होता, फिर भी अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि आँख का मामला था और सब डॉक्टरों की भी सलाह ले ली और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। दिखने की कोई गारंटी नहीं, आँख का ऑपरेशन कर देंगे, बदलनी भी पड़ सकती है। अब देखिएगा इन बच्चों का, खड़े होकर आप अपना बताओ बच्चे, देखो ये बैठी बैठी बता देते, कुछ बताना चाहेगी बेटी, बोलो कुछ बताना चाहेगी, जो मैंने बताया है ये सही है, देखो इसकी तरफ कर, जो मैंने बताया है ये सही है, तुम बताओ इसके दादाजी, क्या नाम आपका, जो मैंने बताया ये ठीक है ना, हाँ ये इसके, आपका क्या नाम है, उसको दे सूरज मल ने, हाँ भाई आपका क्या नाम है, सूरजमल, आप जो ये मैंने बताया पढ़ करिए, आप आपकी सही है ना, ये सही है। और कुछ कहना चाहते हो इसके विषय में, तो आपने था जो सही है। अच्छा ठीक है, परमात्मा हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, जाओ बेटा फिर ले जाओ बच्चे को, हैं हैं, माँ कुछ बताना चाहती है, बोल बेटी। हाँ अगर वो हॉस्पिटल में ले गए बच्चे को, हाँ जी बना ला उसको, ऊपर ना कर ले इसने बेटी, अपने मुंह का आसार ऐसी, हाँ रोटी जब खा भगवान मेरे को सपने में दिखे कि अपनी गोदी में बैठा रहे बच्चे को, बेटा रो मत, ये अपने आप ठीक होगी, भगवान ने ठीक कर दी। बोलो सतगुरु देव, कौन भगवान दिखे बेटी तने, गुरु जी आप दिखे। ये बेटी कह रही है कि परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में बच्चे को लिए हुए दिखाई दिए, बेटी रो ना, तेरा बेटा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। बोलो सतगुरु देव। बस बेटा अभी आपने इस दुखी परिवार की आत्म कथा सुनी,
अब इस बच्चे की क्या जीवन था, एक आंख निकल जाती और देखो आज इसकी आंख कबीर परमात्मा ने स्वस्थ कर दी। इस कबीर परमात्मा ने स्वस्थ कर दी और वेदों में भी यही प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा आपको दीर्घ रोग से भी बचाव कर देता है। आगे क्या कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 कबीर परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताते हैं कि संत सतगुर शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सूढ़ी होवा काटे में टल जा। अब आपको एक ऐसा उदाहरण और दिखाते हैं, सुनाते हैं, उनकी आत्मकथा बताते हैं। उससे पहले परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वो महिमा अपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 को पढ़ा। अब 5 को और पढ़कर देखो श्लोक को, क्या क्या स्पष्ट किया है ये देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर ये 161 है, सूक्त नंबर 161 और इसका ये मंत्र नंबर, ये 161 यहां से प्रारंभ होता है और इसका ये मंत्र नंबर 4 आपने देखा, 2 देखा, अब ये देखिएगा ये 4 है और ये 5 है, ये मंत्र नंबर 5 है, ये 5 है, इसका यहां पर अनुवाद किया है। क्या कहा है, हे रोगी मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं यानी प्राप्त भी होऊं यानी मोक्ष भी करूं तेरा, तो पुनः आ यदि कहते नवजीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन के धारक, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। कहने का भाव ये है कि भगवान के विषय में वेद बता रहे हैं कि हे रोगी, हे मेरी शरण में आने वाले नवजीत यानी जैसे नवजीवन प्राप्त प्राणी, परमात्मा बहुत कष्टों से बिटालते हैं, कई मौत होनी उसको भी बचाते हैं, कहते तू मेरे में समर्पण कर, यदि तेरे संस्कार वश तेरी आंख भी खराब होनी हो तेरे को मैं वो आंख भी दोबारा दे दूं, तेरी आंख भी 100 वर्ष तक दान कर दूं यानी तुझे 100 वर्ष तक दिखाई दिला दूं। आपके समक्ष अब वो उदाहरण देते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिक में सूली हो वा कांटे में टल जावे। यदि संस्कारवश जीवन समाप्त होना हो, खत्म होना हो, मृत्यु होनी हो, वो कांटा लाग कटाल दे परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा की, जो परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ा हुआ है पूर्ण संत के माध्यम तक सतगुरु शरण में आने से। अब आपके समक्ष भक्त हवा सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव गांधरा, जिला रोहतक, वर्तमान में दिल्ली पुरुष में ASI के पद पर तैनात है, ये अपनी आप बीती सुनाएंगे, इनके साथ क्या घटना घटी। अब श्री आवाज सिंह जी बताएं अपनी। सत साहिब परम सतगुरु देव की जय। मैंने पहले जो है आसाराम बापू का नाम ले रखा था, तो वहां पे उस टाइम जो है हमारे ऊपर काफी परेशानियाँ थी, दुख थे और मेरे बेटे को जो है दौरे पड़ते थे, बेटी को भी दौरे पड़ते थे और उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान थे। यहाँ की वैद्यों से, डॉक्टरों से और ये झाड़ फूस करने वाले भूत प्रेत वालों से सबसे जो है उसका इलाज करवा लिया परंतु कहीं भी ठीक नहीं हुआ।
बालाजी मेहंदीपुर स्वामनी करवाई, वहाँ गए सालासर गए, वहाँ स्वामनी करवाई, वहाँ गए तीर्थों पे इतने गए, ये जितनी देवियाँ हैं चारों धाम हैं और ये जितने भी है वहाँ पर संत महात्माओं से भी मिले, तीर्थों पे गए और हर जगह गए, परंतु उसको कहीं आराम नहीं। बेटा सूख करके काटा होता चला गया, यहाँ तक कि एक रोटी पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी करके खिलाते थे और एक गिलास दूध थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पिलाते थे। उसकी जो छाती की पसलियाँ ऐसी एक एक गिन लो ऐसी हो गई, जैसे एक बच्चा सूख करके काटा हो जाता है ना, जिस सूखन रोग जिसको कहते हैं, ऐसे हो गया बिल्कुल। और हम बड़े परेशान हो गए, कोई भी इसको किसी प्रकार का भी आराम नहीं हो रहा था। आसाराम बापू से भी प्रार्थना की, उन्होंने भी कहा पीपल के चक्कर लगाओ, वहाँ की मट्टी लो, पानी लो, जैसे उसने कहा वैसे किया, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। परंतु काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी जो है कुछ नहीं होने पर मेरा वहाँ से विश्वास कम हो गया, तीर्थों से विश्वास कम हो गया, इन साधु महात्माओं से विश्वास कम हो गया। तो मैंने एक भगत था राधा स्वामी का, वो मेरे को मिला, उसने मेरे को कहा, तो मेरे को वहाँ ले गया, तो वहाँ का सत्संग सुना, तो मेरे को कुछ पसंद आया, मैंने वहाँ भी नाम ले लिया। वहाँ भी मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, न ही मेरे को ज्ञान अच्छा लगा, न ही वही जो है पूर्ण जो है विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद गुरुजी के बारे में मेरे जो भाई हैं उन्होंने बताया तो और कहा कि यहाँ आप आ जाओ, बेटे को ले आओ, यहाँ तो मरे हुए जिंदा हो रहे हैं और यहाँ पे आकर के वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ गुरुजी की शरण में आए, नाम लिया, तो नाम लिया तो इसके बाद मैं बताता हूँ घटना कि क्रोथा आश्रम में हम, मैं और मेरा बेटा, नाम तो पहले ले लिया था, मैं और मेरा बेटा दोनों सुबह उठ करके क्रोथा आश्रम में गए। वहाँ गुरुजी दर्शन दे रहे थे, हमने दर्शन किया, गुरुजी ने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद हम दर्शन करने के बाद पंडाल में बैठ गए। जैसे ही पंडाल में हम बैठे, बेटा कहने लगा पापा मेरे को भूख लगी है। मेरे को थोड़ा एकदम ही करंट सा लगा, ये क्या हुआ। वह तो उसके कहने, उसने फिर जिद की, तो मैं भंडारे में गया, उसने दो रोटी अचार के साथ खाई। मेरे को बड़ा महसूस हुआ यार ये वाकई कोई चमत्कार है यहाँ। तो इसके बाद हम आकर के सत्संग में बैठ गए, सत्संग पूरा हुआ, इसके बाद हलवे का प्रसाद पहले बहुत ज़्यादा देते थे, इतना देते थे, उसने वो हलवे का प्रसाद पूरा खा लिया। इसके बाद केले का प्रसाद खाया, इसके बाद कहने लगा पापा मेरे को भूख लगी है, और हम फिर मैं उसको भंडारे में ले गया, एक कटोरा खीर खा गया और तीन रोटी खा ली। तीन रोटी खाने के बावजूद वो कहने लगा पापा और रोटी चाहिए। मैं कहने लगा बेटा इतना खा लिया आज पेट में दर्द हो जाएगा, बाद में खा लेना। वो अपनी जिद पर लगा रहा, मैंने कहा उसको रोटी देने वाले को भाई आधी रोटी दे दे, एक देने की बजाय आधी दे दे। तो गुरुजी की जैसी भी कृपा रही हो, उसने आधी रोटी खाते उसका पेट भर गया और उसने आगे नहीं खाई, और उसके उस दिन से उसको दौरे बंद हो गए, बेटी के दौरे बंद हो गए। बोलो सतगुरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सत साहेब इवागे सब। आज तो उसको कोई दौरे नहीं पड़े। और एक बार उस हम कुछ दिन के बाद वहाँ नरेला में आ गए, नरेला में आए हुए एक महीना ही हुआ था कि जन्माष्टमी का दिन था, तो सबकी लाइट आई हुई थी, हमारी लाइट नहीं थी। तो तकरीबन रात के 9-10 बजे का समय था, तो मैं लाइट को चेक करता करता हुआ ट्रांसफार्मर में चला गया। ट्रांसफार्मर के चौतरे पे मैं चढ़ा तो ऐसे ऊपर को मैंने हाथ किया तो 11,000 जो वोल्टेज की जो तार हैं उसमें मेरा ये हाथ जो है टच हो गया, और मैं ऐसे कैसा खड़ा रह गया, करंट सारी शरीर में हो गया। थोड़ी ही देर में मैं तो गिर गया, गिरने के बाद मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे गुरुजी मेरे को दिखाई दिए, उन्होंने ऐसे हाथ किया और मैं जिंदा हो गया। बोलो सतगुरुदेव। जिंदा होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई और शरीर इतना कोमल ठंडा ठंडा और ऐसा देवताओं जैसा शरीर मेरा हो गया, और मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था, और मेरे को ऐसा लग रहा था शायद मेरे शरीर के अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं।
और मैं उठा, उठ के घर आया। घर आने के बाद दरवाजा खुलवाया तो बेटी ने दरवाजा खोला तो बेटी कहने लगी, पापा जी आपके शरीर से तो बदबू आ रही है। तो उसमें जैसी बदबू, हाँ जले हुए की बदबू आ रही है। तो लाइट उस टाइम आ चुकी थी, तो उसने लाइट में देखा तो पापा तेरे तो आपके तो हाथ भी जले हुए हैं, पैर भी जले हुए हैं। तो मैंने भी देखे, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मेरे कोई दर्द ही नहीं था। और इतने में तो तहलका मच गया, सब इकट्ठे हो गए, सब कहने लगे नर्सिंग होम में ले चलो, नर्सिंग होम में ले। मैं कहने लगा मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरा तो शरीर पहले से ज़्यादा ताकतवर और ठंडा ठंडा स्वस्थ एकदम, ऐसा जैसे मेरे शरीर में कोई रोग ही ना हो और देवताओं जैसा बिल्कुल शरीर हो रहा एकदम, और जैसे ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो मैंने कहा नर्सिंग होम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा करो 100 नंबर पर टेलीफोन कर दो, PCR आ जाएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी, वहाँ पट्टी वट्टी हो जाएगी और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 100 नंबर पर टेलीफोन कर दिया, हॉस्पिटल में गए, पट्टी वट्टी कर दी गई। डॉक्टर साहब ने हालात देखते कहने लगे ये तो सीरियस केस है। जाते तो पहले उन्होंने पट्टी वट्टी जो भी कुछ कहा, इंजेक्शन लगाए, ECG करा, जो भी कुछ उन्होंने अपना करना था किया। करने के बाद कहने लगे कि हम आपको, आपका सीरियस केस है और आपको बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पहले से, मैंने जो पहले बातें बताई थी वह सब डॉक्टरों को मैंने बताई, तो डॉक्टर तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो कहने लगे नहीं, 3 दिन तक तो इसमें आपको इतना खतरा है, किसी टाइम भी आप की जान जा सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। परंतु मैंने कहा मेरे से तुम कुछ लिखवा लो, मिसी से कुछ लिखवा लो। और जो पुलिस वाला जो आया था SI, वो मेरे साथ का था, उसने जो है मैंने उसको कहा, उसने फिर डॉक्टरों को कहा, तो वो मान गए, उसने रात भर मेरे को रखा। सुबह जो उनका जो इंचार्ज है बड़ा डॉक्टर, वो आया सबसे पहले उस मेरे पास ही आया, चेक किया, चेक करने बाद कहने लगा कि हम आपको नहीं रख सकते यहाँ, क्योंकि हमारा नौकरी का सवाल है और आपको बड़े हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। मैंने कहा वहाँ ठीक है, भेजना चाहते हो तो भेज दो, वैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा तो शरीर बिल्कुल देवताओं जैसा है और ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जैसे भगवान प्रकट हो रहे। तो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कहा, मैंने मना कर दिया, एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊँगा। तो वहाँ से जो है चले, तो मैंने हम सीधे घर आ गए। हॉस्पिटल कहाँ जाना था, क्योंकि मैं अपने शरीर का तो मैंने पता था, अब मैं बिल्कुल कितना बढ़िया शरीर हो रहा है। घर आ गए, उस दिन हम हॉस्पिटल गए ही नहीं। अगले दिन हम गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कहने लगे, वही एडमिट करने लगे और वही कहने लगे 3 दिन तक बड़ा खतरा है, 3 दिन की कभी भी आपकी जान से आ सकती है, इसलिए एडमिट करना ज़रूरी है, ये है वो है। मैंने उन सब बातें उनको बताई कि नहीं, मेरा तो देवता जैसा शरीर हो रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं है और एकदम ठंडा ठंडा शांत शरीर है और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हों और मैं गुरुजी ने जिंदा कर दिया हूँ, मेरा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर उन्होंने कुछ विश्वास हुआ तो उन्होंने पट्टी वट्टी करके जो भी इलाज करना था कर दिया, हम वापस घर आ गए। 3 दिन तक यही शक्ति बनी रही, 3 दिन के बाद ये शक्ति चली गई, तो एक सामान्य शरीर हो गया और आज मैं धीरे धीरे वो ठीक हुआ, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बेटा भी स्वस्थ है और बेटी भी सब हैं और हर तरह से सुखी हैं और भगवान की दया से, गुरुज महाराज जी की कृपा से आज मेरे पास प्रॉपर्टी भी 2 करोड़ के करीब है और कोई कमी नहीं है। आपकी उंगली जो कैसी है? ये जो मेरी उंगली, ये हाथ है, ये आप देख रहे हो, ये उंगली कितनी गई उसी दुर्घटना में जल गया था पूरा शरीर, पैर तक, पैर देखो, उंगली काट, पैर देखो, ये देखो, ये पैर अभी तक चिन्ह है इसका जले हुए का, ये देखिए निकट से अच्छी तरह रख लो आराम से, हाँ ये जले हुआ अब तक भी चिन्ह है। 3-5 वर्ष हो गए इस घटना को, कौन से सन की बात है ये? 2003 की। 5 वर्ष तक आज तक चिन्ह है, उंगली इसकी उसी दुर्घटना में कटी थी। अच्छा, एक बार और मेरे साथ ऐसा घटना हुई, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने लिखा नहीं है इसमें, गुरु जी कहेंगे तो मैं लिख के दे दूंगा। एक बार मैं ड्यूटी से आ रहा था, स्टेशन पे आया, स्टेशन पे आने के बाद मैंने एक ट्रेन आ रही थी, मैंने ये नहीं देखा वो कौन सी ट्रेन है और वो जैसे ही वो बंदी हुई मैं उसमें चढ़ लिया। चढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद वो मेरे पास TT आ गया, TT कहने लगा आपने कहाँ जाना है? माँ जी मैंने नरेला जाना है। बोला ये तो यहाँ से चली हुई अम्बाला रुकेगी, शताब्दी एक्सप्रेस है और ये तो कहीं रुक ही नहीं सकती गाड़ी, इसको तो रोकता भी नहीं है, आप गलत चढ़ गए, इसमें अम्बाला उतरना पड़ेगा। माँ जी अब कैसे होगा? बोला अब ऐसा करो वहाँ से ले जाओ आगे ड्राइवर के, उसको कह करके वहाँ रखवाओ।
तो मैं वहां जाने लगा आगे, तो आजादपुर से आगे पता नहीं अचानक ही वो ट्रेन इतनी मंदी हो गई कि जिसकी को हद नहीं। तो मैंने वैसे पहले जो उसने कहा कि अम्बाला रुके, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का ध्यान किया और कहा गुरुजी आज तो मैं बड़ा मुसीबत में फंस गया, मैं क्या करूं, अब अम्बाला जा करके वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया। तो बस यही कहना था कि ट्रेन मंदी मंदी होती चली गई और इतनी मंदी हो गई जैसे रुकने के बराबर, और मैं कूद गया। और मैं जब से देखता हूँ कि मन है ना, मन कहता है कभी वो वैसे ही हो गई हो, उस दिन से मैं वहां से गुजरता हूँ ट्रेन से, तो ये सोचता हूँ कि किस वजह से वो ट्रेन मंदी हुई थी। उस दिन के बाद कोई भी ट्रेन वहां मंदी नहीं हुई, क्योंकि सतगुरुदेव की जय। मैं महसूस करता हूँ गुरु जी का नाम ले, ऐसी मुसीबतों में गुरु जी एकदम आगे रहते हैं, एकदम सामने रहते हैं, पास रहते हैं और मदद करते हैं। सत साहिब पुणात्मा। अभी भक्त वासंग जी ने आपने आपको अपनी आप बीती बताई कि पहले ये श्री आसाराम जी के शिष्य भी थे, वहाँ से उपदेश भी ले रखा था, उनके द्वारा बताई सारी साधना भी करते थे और इनके घर के भूत भी ना निकले, और तो समस्या समाधान बहुत बाद की बात है। पुणात्माओं, एक एक परिवार जो हमारे परमात्मा के कबीर परमेश्वर के इस दास के माध्यम से शरण में है और जिसने 4-5 वर्ष हो गए हैं, वो अभी तो इसके 5-4 और प्रमाण बताने रह गए होंगे मन में, ये तो डाइट दिया मैंने। एक एक परिवार को इतना सुख दे रखा परमात्मा ने, उसके उनका थूक सूख जाता है भगवान के गुण गाते गाते, इतने परम शक्ति युक्त हमारे कबीर परमात्मा है। तो पुणात्माओं, ये वो पूर्ण परमात्मा है कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर क्या कहते हैं, जैसे हम आते हैं नाम ले लिया, हमने सोचे हैं कल हमारा ये वासंग जैसे सारे सुख हो, परमात्मा कहते होंगे, क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो गड़ा बे समय आए फल हो। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है तो उसको बीजेंगे, आम के पौधे को बीजेंगे, उसकी सिंचाई करेंगे और इंतजार करेंगे कि वो बड़ा हो जावे, और बड़ा होने के बाद फिर आम का पेड़ देखना आपको कितना कितना फल देगा, आप भी खाओगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदार भी छका देगा। कहने का भाव यह है कि कुछ इस परमात्मा के सतभक्ति रूपी पौधे को आपने बीजा है, इसको थोड़ा समय दो, भगवान को बड़ा होने दो, फिर देखियो कितने सुख देगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। पुण्यात्माओं, कोई समय दिया है परमात्मा कबीर जी ने आपको ये राम नाम की लूट लूटन का, लूट लो आप भी, रिश्तेदारों को भी और सबको, लाओ समझा समझा के भगवान के चरणों में। सत साहिब।